तो आप सभी को मालूम है कि मॉर्निंग डेली एट एम पर आप सभी का एक डेली करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होता है ठीक है और आज है हम लोग आज है चार अगस्त और uh, जो सी यू टी का सेकेंड फेज़ है इसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं लास्ट सिक्स मंथ का तो ये जो सेशन्स है आपके मंडे टू फ्राइडे होते हैं रेगुलर बेसिस पर और सैटरडे और संडे हम लोग स्पेशल सेशनस कवर करने जाते हैं ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर में ठीक है और बाकी यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो टेक्स्ट बुक के सुपर कोर्सेज के साथ कर सकते हैं सुपर टीचर्स के साथ जुड़ करके एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है सो आप इन कोर्सेज़ के लिए एनरोल कर सकते हैं ठीक है थीके? बाकी ये जो टाइमिंग है याद रखिएगा मॉर्निंग सेवन एम से स्टार्ट हो जाते हैं सेशनस आपके और ग्यारह बजे तक चलते हैं तो ये पूरा शेड्यूल ज़रूर चेक कर लीजिएगा और करंट अफेयर का सेशन होता है आपका आठ बजे और इन सभी सेशन्स की जो पी डी एफ है वो मिल जाते ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सो प्लीज फॉर द पीडीएफ एफ द टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एट द रेटर टेक्स्ट बुक ठीक है so, सो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि द बुक ठीक है इसको देख लीजिएगा अच्छे से पूछा गया है कि द बुक ममता बियॉन्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इस शेड्यूल्ड टू बी रिलीज इन जैन 2022 हु इज द राइटर ऑफ द बुक ठीक है तो आपको बताना है कि इस किताब के राइटर का नाम क्या है इस किताब के ऑथर का नाम क्या है तो इसमें अनुकृत उपाध्याय हैं वी एल इंदिरा दत्त हैं राहुल uh, uh, रवेल हैं या फिर जयंत घोषाल ठीक है थी, थी, सुचरा बताएगा अमंग द फॉलोइंग हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ठीक है और किताब का नाम क्या है ममता बियॉन्ड 2021 ठीक है जो कि ममता बनर्जी जो इस समय वेस्ट बंगाल के सीएम हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ पर बेस्ड है ठीक है चलिए रिया वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है चलिए बाकी के अदर कैंडिडेट जो भी जुड़ते चले जा रहे हैं सो so, सभी लोग आंसर करने का ट्राई करें और देखो इसमें अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करने जाएं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 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 ऑप्शन करेक्ट करेक्ट ठीक ठीक है है तो जयंत घोषाल द वन सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा याद रखेगा इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखेगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अ न्यू स्पेसिज विच ऑफ ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इन द पनामा जंगल हैज बीन नेम्ड आफ्टर स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ठीक है तो देखिए इसमें क्या पूछा गया आपने एक बहुत ही यंग एनवायरमेंट एक्टिविस्ट का नाम सुना होगा ठीक है जो स्वीडिश हैं मतलब स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं ठीक है थीके? आ, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग और इनका जो नाम है अगर आपने पढ़ा हो तो विश्व के सौ इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सनलिटीज में भी इंक्लूडेड रहता है तो उन्होंने पूछा गया है कि इनके प्रयासों की वजह से पनामा के जंगलों में निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसीज जो है ढूंढी गई है ठीक है कौन है वो क्रोकोडाइल है और लिजार्ड है छिपकली है स्नेक है या फिर रेन फ्रॉक है तो देखो लगभग सभी स्पेसीज ऑलरेडी आप सभी को मालूम है कि ये ऑलरेडी बहुत बहुतायात में पाई ही जाती हैं सांप भी पाया जाता है छिपकली भी पाई जाती है मगरमच्छ भी पाया जाता है एक जो नई स्पेसिस ढूंढी गई है उसका नाम क्या है रेन फ्रॉक ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट यस अभिषेक मोनिका वेरी गुड मॉर्निंग अगला सवाल देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट वर्क ठीक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक पूछा गया है आई ठीक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक इज बींग ऑब्जर्ड इन विच कंट्री इज बींग ऑब्जर्ड इन विच कंट्री ठीक है सो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है कनाडा इज द राइट आंसर तो यहाँ पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे याद रखेगा यहां पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा कनाडा ठीक है चलिए अगला सवाल है सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं देखिए आज के समय में बहुत सारे फेमस ऐसे स्पोर्ट पर्सन होते हैं जो अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देते हैं तो एग्जाम में आपके कई बार ये पूछा जाता है कि जिन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की हुई है ठीक है ये निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये श्रीलंका से है ठीक है पहला है दूसरा बांग्लादेश से है तीसरा वेस्ट बेंगल वेस्ट इंडीज से है या चौथा साउथ अफ्रीका से और इसमें देखो अगर हम लोग सही आंसर की बात करने जाएं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका इज द करेक्ट वन ठीक है तो याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि द फर्स्ट कारवा पार्क इन केरल वुड कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ठीक है सो ये पूछा गया है कि केरल का जो पहला कारवा पार्क है पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा देखिए अभी तो अग, अभी, अ, मतलब, अ, अगर अभी मतलब अगर अभय की बात अभय बात की जाए तो देखो लास्ट जनवरी से लेकर के जून तक का थोड़ा फोकस करिएगा जुलाई तक का भी देख लीजिएगा लेकिन पंद्रह जुलाई तक का देख के जाएंगे तो सफिशियंट है उससे आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है पंद्रह जुलाई तक देख के जाएंगे देन इट्स ओके okay. <coughs> तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट इडुक्की इडुक्की ठीक है ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर केरल आप सभी जानते हैं केरल जहां पर आपकी वम्बनाड लेक लोकेटेड है केरल जहाँ पर हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं केरल जहां पर हम लोग ओनम और विशु फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं कथकली और आपने पढ़ा होगा कि जो मोहिनी अट्टम है यहाँ के फोक डांसेस हैं ठीक है और जहां पर सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड है ठीक है अगला सवाल देखिएगा अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ठीक है तो विश्व एनजीओ दिवस जो है प्रत्येक साल कब मनाया जाता है तो निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे इसमें 1 है 2 है 3 है या फिर 4 व्हिच ऑप्शन इज राइट ठीक है 25th फरवरी है 26th फरवरी है और 27th फरवरी है या फिर 28th फरवरी है ठीक है तो जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे सो so इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ट्वेंटी सेवन फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक ट्वेंटी सेवन फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा गया कि पच्चीस फरवरी दो हजार बाईस से भारत चरणबद्ध तरीके से टी प्लस वन स्टॉक निपटान तंत्र की ओर पढ़ने वाला देश के बाद दूसरा देश बन गया है ठीक है so, सो इसमें से आ, हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे सो फ्रॉम फेब टू ट्वेंटी फिफ्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंडिया बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर विच कंट्री टू मूव टू टी प्लस वन स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म इन अ फेज मैनर तो इसमें चीन होगा पोलैंड होगा फ्रांस होगा या फिर जर्मनी आ, किस ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा दर्जा चाइना इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है चलेंगे अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टी डी एस ए टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो यहाँ पर फेमस पर्सन न्यूज पूछे गए हैं यानी कि अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये ठीक है सो जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को टी डी एस ए टी यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल का यहाँ पर चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और जो ये चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं दैट इज अ डी एन पटेल इज द राइट आंसर ठीक है डीएन पटेल इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है रितु खांडूरी भूषण बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑफ विच स्टेट ठीक है सुचरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट तो उत्तराखंड हो जाएगा इसमें पंजाब होगा उत्तर प्रदेश होगा या फिर हरियाणा ठीक है और ये जो अध्यक्ष बन गई है ये कहाँ की बनी है उत्तराखंड की ठीक है सो अभी यहाँ के आपने नए सीएम का नाम भी पढ़ा होगा धामी साहब ठीक है यहाँ के नए सीएम इलेक्ट हुए हैं और जो नई अध्यक्ष बनाई गई हैं ठीक है थीके? वो कौन है रितु खंडारी ठीक है भूषण ठीक है और दूसरा उत्तराखंड की कैपिटल तो आप जानते हैं देहरादून और दूसरी कैपिटल गैरसेन तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है और उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था वो उत्तर प्रदेश से टू में ठीक है अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अप्रैल दो में महिंद्रा ठीक है महिंद्रा मुनु लाइफ म्यूचुअल फंड आ, फंडन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है सुजरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट सो देखो एंथोनी एन, हेरेडिया होगा जतेंद्र पाल सिंह होगा श्री रमेश अय्यर होगा और स्टीव विलियम्स होगा तो ये जो नियुक्ति हुई है ठीक है देखो आज के समय में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है बट सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट पढ़ के जाने ऐसे नहीं कि सभी हम लोग पढ़ के चले जाएं ठीक है ये अच्छे छ वेरी गुड मॉर्निंग तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अंथोनी हेरेडिया इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज अ वन ठीक है चले अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के बारे में तो सुना होगा आपने नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन ठीक है उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि इसमें से निम्नलिखित में से, से किसने टाई अप किया हुआ है अब एस एच जी आप जानते होंगे या इनको हम लोग जे एल जी भी बोलते हैं जेएल सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ठीक है सेल्फ हेल्प ग्रुप और इनको कई बार हम लोग एक नया टर्म भी देते हैं महिला बचत गट आई होप कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र में इसको महिला बचत गट के नाम से जाना जाता है तो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप भी बोलते हैं ज्वाइंट लाया बिलिटी ग्रुप uh, भी बोला जाता है ठीक है तो ये इसके नाम है ज्वाइंट लायाबिलिटी ग्रुप या महिला बचत गट और ये लॉन्च किया गया था बाई नाबार्ड इन 1992 ठीक है तो नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया था इस प्रोडक्ट को और ये आपका कब लॉन्च किया गया था उन्नीस में इसमें 10 या कम से कम 20 लोगों का एक ग्रुप होता है ठीक है जो लोकल होता है महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हो सकते हैं तो उसी से रिलेटेड प्रोग्राम पूछा गया है कि ये जो आपकी प्रोग्राम है महिला बचत गट का ठीक है इसमें निम्नलिखित में से किसके साथ टाइप हुआ है और ये जो टाइप हुआ है वो किसका एच डी एफ सी बैंक का और एच डी एफ सी बैंक तो आप जानते हो हाउसिंग डिस्काउंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इस समय की अगर ये बात देखी जाए तो मार्केट बेसिस पे अगर इसका हम लोग मार्केट साइज देखने जाएं ठीक है इसका अगर हम लोग मार्केट साइज देखने जाएं तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ठीक है ये सबसे बड़ी इस समय लार्जेस्ट आपकी क्या है प्राइवेट बैंक है ठीक है सो आई होप कितना क्लियर है अगला सवाल देख लेते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया ठीक है सो विच द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप इन अप्रैल 2022 एंटी करप्शन अब देखो देखना ये पड़ेगा कि एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन तो लॉन्च हो गया लेकिन ये कारगर कितना साबित है ठीक है तो पंजाब के सीएम ने लॉन्च किया है गुजरात के सीएम ने तेलंगाना या फिर उत्तराखंड तो आज के समय में सरकारें एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करती हैं लेकिन सरकारों के ही बड़े बड़े मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं ठीक है सरकारों के ही मंत्री अभी आपको मालूम है कि एक मंत्री के घर से कितना करोड़ में कैश निकला हुआ है ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा ठीक है दैट इज अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है फोर इज द राइट आंसर ठीक है तो याद रखिएगा उत्तराखंड इज द करेक्ट ऑप्शन तो जो धामी साहब है उन्होंने इसको लॉन्च किया ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इन स्टेट 160 फीट टॉल नेशनल फ्लैग हाईएस्ट द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बी इंस्टॉल्ड तो क्वेश्चन में पूछा गया है <coughs> तो कि निम्नलिखित में से भारत में नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में 165 फुट ऊंचा एक भारतीय ध्वज स्थापित किया जाएगा और यह नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर भारत का सबसे हाईएस्ट ध्वज होगा ठीक है काफी सवाल इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे मणिपुर होगा या फिर हम लोग सिक्किम की बात करेंगे नागालैंड होगा या फिर आसाम हो जाएगा और मैक्सिमम लोगों ने इसमें जो राइट आंसर टिकट कर दिया है मणिपुर इज द राइट आंसर ठीक है मणिपुर तो देखो मणिपुर की बात की गई है इसमें जहां से मैरी कॉम आपकी बिलोंग करती हैं मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं मणिपुर की कई बार आपको लेक भी पूछी जाती है तो नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछा गया कि ताजे पानी की मीठे पानी की याद रखिएगा मीठे पानी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो लेक का नाम बताइएगा तो लोकटक लेक जरूर पढ़ के जाइएगा और एक नेशनल पार्क भी पूछा जाता है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ ठीक है ये याद रखेगा ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ठीक है इसके बारे में भी पूछा जाता है तो इसको भी एक बार जरूर देख के चले जाएंगे ठीक है अब यहां पर मिस्टर डोंग डोंग आ चुके हैं डोंगपुरी के रहने वाले हैं बोल रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है सो प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन और बाकी आप टेक्सट बुक पास क्यों एनरोल कर सकते हैं बहुत ही कम पास कम प्राइसेस में और आप सभी को मालूम है कि अगर एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा सो फॉर द एनरोलमेंट यूज द कूपन कोड एसकेटी पास टू गेट ता मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल जो वर्कर्स डे है ये आपका कब मनाया जाता है अब इसमें वर्कर्स डे और लेबर डे ये थोड़ा सा सोच के कंफ्यूज मत हो जाएगा ठीक है कंफ्यूज मत हो जाएगा तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन एज करेक्ट ठीक है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल मनाया जाता है एक अप्रैल को एक मई को एक जून को या फिर एक जुलाई को सो so, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज अ वन में ठीक है याद रखिएगा फर्स्ट में इज द राइट आंसर ठीक है फर्स्ट में इज द राइट आंसर एक अप्रैल को हम लोग <laughs> मूर्ख दिवस भी मनाते हैं ठीक है आरबीआई डे भी हमारा सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है और एक जुलाई को याद रखिएगा एसबीआई डे होता है और दूसरा कई बार पूछा जाता है तो जीएसटी डे याद रखिएगा ठीक है जीएसटी डे भी रहता है तो एक जुलाई को जीएसटी डे रहता है और आपका एस दिवस होता है ठीक है और एक मई को लेबर डे ठीक है और लेबर डे आप सभी को मालूम है कि इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड एक मई को हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात दिवस दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो याद रखेगा हम लोग एक मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी सेलिब्रेट करते ऑब्जर्व करते ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अप्रैल जीरो डे होता है है ना सर ठीक एक अप्रैल देखिए जीरो डे दे भी हाँ कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं ठीक है अगला सवाल है कि यह मल्टी लेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन ट्वेंटी टू इज ओशियन विच ऑफ द फ़ॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज ठीक है तो ये पूछा गया है एक बहुत सारे देशों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम था सी ड्रैगन ट्वेंटी टू ठीक है तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया ये पैसिफिक ओशियन में हुई थी अभी आपको मालूम है कि चाइना भी ऑलरेडी ताइवान के आस के एरिया में इस समय मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी ताइवान में एक अमेरिका की बहुत बड़ी जो है उन्होंने विजिट किया है ठीक है पार्लियामेंट की मेम्बर ने तो काफी ये समय गंभीर मामला बना हुआ है ठीक है चाइना और ताइवान और यूएसए को लेकर के तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चाइना इज द राइट आंसर तो चाइना इसका हिस्सा नहीं था ठीक है तो अभी देखो एक चाइना हो गया और दूसरा यूएसए हो गया तो इन कंट्री को लगभग जो है अवॉइड ही किया जा रहा है किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में इन, इन्वॉल्व करने के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का नाम है कि विच डे मार्क्ड द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ठीक है तो जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस डेट को uh, हम लोग क्या करते हैं जीरो टॉलरेंस डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ फैब फिफ्थ फैब या फिर ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इज ऑप्शन द राइट आंसर ठीक है है अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने अपने उत्पादों के वितरण के लिए बीमा एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के साथ करार किया है ठीक है तो आपने एक वैसे भी एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है सो so इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि जो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के साथ निम्नलिखित में से किसका टाइप हुआ है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का या फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा यहां पर जो राइट right आंसर है दैट इज अप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज द करेक्ट वन ठीक है सो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अगला सवाल है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फैप द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ईयर ठीक है सो so, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2000 पूछा गया है 20 फरवरी को मनाया जाता है यह सबसे पहले निम्नलिखित में से किस ईयर में ऑब्जर्व किया गया था और सबसे पहले अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये ऑब्जर्व किया गया था 2009 में ठीक है 2009 में अगला सवाल है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारत के बच्चों को लाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला था अब देखो अलग-अलग हमारे देश में अ, मिशन आपने देखे होंगे कि बहुत सारे मिशन चलते रहे हैं जैसे जब कोविड लगा हुआ था कोविड अगर आपको याद हो तो जब कोविड आया था फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं तो जो भी भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था ठीक है और ये जो इंडियन स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन गंगा अगर आपको याद हो ऑपरेशन विजय भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में जब हमने गोवा को स्वतंत्र कराया था ठीक है गोवा दमन दीव को तो ये काफी पॉपुलर हुआ था ठीक है ये काफी पॉपुलर हुआ था ठीक है अगला सवाल है कि मार्च 2022 में भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख निम्नलिखित में से किसे बनाया गया तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि मार्च ट्विटर ट्विटर को एलन मस्क के द्वारा यहाँ पर ऑलरेडी uh, खरीद लिया गया है लेकिन शायद एलन मस्क ने डिक्लेयर किया है कि ये जो डील है वो कैंसिल कर देंगे आने वाले समय में ठीक है तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अशोक राय पुनीत सिंह समीरन गुप्ता या फिर रजत यादव

पद्मिनी रूट है या फिर चौथा प्रियंका नुटक्की है ठीक है सो जरा बताएगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है तो ये जो तेईसवी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है ये कौन है आपकी प्रियंका ठीक है सो ऑप्शन फॉर इज राइट ठीक है चलिए अगला सवाल मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में दो करोड़ रुपए की दो राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया ठीक है सो so, ये पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट है अभी हाल ही में रिसेंटली डेडिकेटेड किया गया है देश के लिए और ये जो टोटल प्रोजेक्ट है कितने का है दो करोड़ रुपए का तो ये किस राज्य में इनोग्रेट हुआ है ठीक है केरल में कर्नाटक में महाराष्ट्र में गुजरात में तो एक अभी हाल ही में याद रखेगा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इनोग्रेशन किया गया रिसेंट में ठीक है लेकिन ये जो रिसेंट में इनोग्रेशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है महाराष्ट्र में ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखिएगा कि अप्रैल 2022 में हजार बाईस में हुआमेंट ऑफ कमांडेंट नेशनल डिफेंस अकेडमी ठीक है तो पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में किसने ठीक है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट uh, की नियुक्ति ग्रहण की ठीक है कपिल मोहन धीर है पहला ऑप्शन दूसरा आरती सरिन है तीसरा ऑप्शन सी एस नायडू है और चौथा ऑप्शन है अजय कोचर सो so, जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है अजय कोचर इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है अजय कोचर इज द करेक्ट ऑप्शन आप देखो देखोगाइज यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं टेक्सट बुक की सुपर टीचर्स के साथ जुड़ करके और इस समय इंडिया के जो बेस्ट सुपर टीचर्स हैं वो टेक्स्ट बुक पर पढ़ा रहे हैं और ये जो सी यू टी की प्रिपरेशन आप करना बहुत ही आसान है मोर देन टेन टीचर्स के आपको एट्टीन प्लस कोर्सेस अवेलेबल हैं लेकिन इन कोर्सेज के साथ में आपको थ्योरी लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में आपको मिलेंगे टू फिफ्टी प्लस मॉक टेस्ट और हंड्रेड प्लस स्टडी नोट सो इन सभी टीचर्स के आपको कोर्सेस मिलने वाले हैं लेकिन साथ में प्रॉपर वन टू वन याद रखेगा आपके इंट्रेक्शन सेशन होंगे डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे और डेली लाइव क्लासेस आपको होने वाली है तो इन सभी टीचर्स का जो आप अनुभव है ये पा सकते हैं और इसके लिए इनरोलमेंट चार्जेस हैं बहुत ही कम है और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिस्काउंट ठीक है देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड है और फेस्टिवल में पूछा गया है अगर हम लोग बात करने जाए और ये, जो फेस्टिवल ये मनाया जाता है, कहां पर झारखंड में याद रखेगा सरहुल जैसे हम बात करते हैं ना ओणम ओनम और विशु केरल में पोंगल बात करते हो तमिलनाडु में ठीक है हम लोग बात करते हैं ना कुचिपुड़ी आप पढ़ते हो आंध्र प्रदेश में हम लोग हॉर्नबुल की बात करते हैं तो कहाँ पे पढ़ते हो आप दैट इज इन सो आई होप कि यहां तक क्लियर है एवरीवन जरा बताइएगा कि यहां तक हम लोग आई होप कि कनेक्टेड हैं यस yes. थोड़ा सा नेट कनेक्शन का इशू हुआ था चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अगले में पूछा गया है तो 45 साल पहले रखी गई लघु कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था ये जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किसको को टिक करने जाएंगे ठीक है वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा अमर मित्रा इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विच डे ऑब्जर्व एज महाराष्ट्र डे एंड गुजरात दिवस ठीक है तो अभी ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ था अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट हम किस डेट को हम लोग तो जब आपका लेबर डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ठीक है जब आपका लेबर डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसी सेम डेट को आपका क्या मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है तो गुजरात और महाराष्ट्र दिवस इन दोनों का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हुआ था आपका एक मई को 1960 को ठीक है फर्स्ट में 1960 को और तभी हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के तौर पर मनाते हैं ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पर जो राइट right आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ऑप्शन इज राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू वेन अकेडमी अवार्ड ठीक है सिडनी तो जरा बताएगा कि इसका राइट right आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर अकादमी so, पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर का जनवरी 2022 में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस देश से संबंध यस सो विच ऑप्शन इज राइट ऑपरेशन खात्मा से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है और इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है तो देखिए ऑपरेशन खात्मा की अगर हम लोग बात करने जाए तो ये जो है ये पब्लिश की गई है किसके द्वारा आर सी गंजू तो एक तो पहला ऑप्शन है दूसरा अश्विनी भटनागर और जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका ऑप्शन फोर इज राइट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन जनवरी 2022 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है जो एचपीसीएल जो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन की बात की, की जा रही है ठीक है तो इसमें से जरा बताएगा कि किसको नियुक्त किया गया है आयोग की नाव एवरीथिंग इज ओके अभी मोर्निंगा क्लियर है अभी बफरिंग नहीं होगी ठीक है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है पुष्पा कुमार जोशी इज द राइट आंसर ठीक है सो इसमें जो करेक्ट होगा यानी कि इसमें जो राइट uh, आंसर right हम लोग टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि विच ऑफ दाइड अप विथ सी ए आर एस ट्वेंटी फोर ठीक है कार्स ट्वेंटी फोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सटेंड मोटर इंश्योरेंस सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर्स दैट विल फुली इंश्योर देयर वहीकल ठीक है तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने उपभोक्ताओं को मोटर बीमा सेवाओं का विकास विस्तार करने के लिए कार्स ट्वेंटी फोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है जो उनके वाहनों को पूरी तरीके से बीमा करेंगे तो ये निम्नलिखित में से कौन सा होगा कार्स 24 आपने सुना होगा कि एक आ, ऐसा इनिशिएटिव है ठीक है कास्ट 24 जो है आपने इसके बारे में सुना होगा कि जहां पर आप अपनी पुरानी कार को ले जाकर सेल कर सकते हैं एवरी है दे प्रोवाइडेड ठीक है है so सो इसका जो राइट आंसर दैट इज इज ऑप्शन करेक्ट ठीक है सो so इसमें जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे कौन सा हो जाएगा फोर इज राइट आंसर दैट इज अ कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज राइट ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा हु लॉन्च अ क्यू आर कोड बेस्ड मैकेनिज्म इन फैव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर सर्टिफिकेशन एंड लेवलिंग ऑफ हैंडमेड कार्पेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है so, सो इसमें uh, किस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है सो यहाँ पर जरा बताएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा so, काफी इंपॉर्टेंट सवाल क्यू कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किसने किया और इसमें जो राइट आंसर है दैट इज अ मनोज सिन्हा इस करेक्ट ऑप्शन ठीक है so, सो इसमें जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज जा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट जीसी मुर्मू तो आप सभी जानते हैं कि ये जो इस समय है uh, कैग के हेड है ठीक है कैग के हेड है आपके अगला सवाल है कि फ्रांस एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स आर टू बीइंग अ मिलिट्री विड्रॉवल फ्रॉम विच कंट्री आफ्टर मोर देन नाइन इयर्स ऑफ फाइटिंग अ जिहादिस्ट इंसर्जेंसी तो जिहादी विद्रोह से लड़ने के नौ साल से अधिक समय के बाद फ्रांस और यूरोपीय सहयोगियों को किस देश से सैन्य वापसी शुरू करनी है तो निम्नलिखित में से किस देश से ये वापस आ जाएंगे आ, माली होगा टोंगो होगा इथियोपिया होगा या बुरकिनो फासो होगा तो ये जो वापस आ जाएंगे याद रखेगा ये माली से है टोंगो में वो बात अलग है कि अभी हाल ही में थोड़ा बहुत टोंगो में भी कुछ घटनाएं घटी है, हुई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि इंडिया के कुछ जो जवान है वो शहीद हो गए ठीक है तो तो वहां पे भी ऑलरेडी तो चल रहा है लेकिन अभी ये जो डिक्लेयरमेंट हुआ है ये माली से हुआ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क टू हैंडल द इंक्रीजिंग ई वेस्ट ठीक है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में एक एको फ्रेंडली पार्क की स्थापना की जाएगी जो कि भारत में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है ई वेस्ट आपने देखा होगा कि अभी तक मतलब तो हम लोग जो जनरली आप अपने घरों में चीजें इस्तेमाल करते हैं उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक सबसे बड़ा सरदर्द था लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कचरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो ये जो ई वेस्ट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ठीक है इसको कैसे हम लोग रिसाइकिल करने जाए तो भारत का जो सबसे पहला ये ये बनाया जाएगा ये कहां पर सेटअप किया जाना है दिल्ली में ठीक है सो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा दट इज ऑप्शन वन एज करेक्ट ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है तो पूछा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है ठीक है कि इसका सही आंसर क्या होगा आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे रॉजर सेंटियागो ओटामेंड ठीक है जुआन मैनुअल वेगा सेरान, सेरानो और टी राजा कुमार सो so, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे और इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ टी राजा कुमार इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो ऑप्शन इज राइट तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन फोर ठीक है अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस राज्य में आयोजित फिफ्टी सिक्स राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला में भारतीय रेलवे की महिला टीम विजेता बनी ठीक है सो इंडियन रेलवेज़ वुमेन टीम बिकम विनर इन द फिफ्टी सिक्स नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप मैन एंड वुमेन हेल्ड इन विच स्टेट इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो नागालैंड होगा ठीक है पहला ऑप्शन दूसरा मेघालय होगा ठीक है तीसरा मणिपुर होगा और चौथा आसाम ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ठीक है वन इज द राइट आंसर ठीक है सो दैट इज अ ऑप्शन उसके लिए अकादमी पुरस्कारों के लिए पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी अः नितिका ठीक है क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है सो मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आपके अकादमी पुरस्कार हैं ठीक है या ग्रामी पुरस्कार हैं जो भी आपके और फीफा सॉरी अभी हम लोग पढ़ते हैं ना आईफा जो पुरस्कार हैं आपके ठीक है और या फिर हम लोग बात करते हैं दादा साहब फालके जो पुरस्कार दिए गए हैं ठीक है तो इनके लिए प्रयास करते हैं कि एक अलग से सेशन कंडक्ट कर लेते हैं ठीक है जो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नागालैंड इज द राइट आंसर ठीक है नागालैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर वुसिक ठीक है को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया सो अलेक्जेंडर वुसिक इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री क्रोसिया बल्गारिया ठीक है रोमानिया या फिर सर्बिया तो इसमें से uh, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर विच ऑप्शन इज राइट So he is appointed the president of Serbia. सो ही इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु सी एम एम के स्टालिन इनोग्रेटेड द पेरियार मेमोरियल आ, पेरियार मेमोरियल समथुअपुरम ठीक है तो ये निम्नलिखित में से किस जगह पर इनोग्रेट किया गया है ठीक है जो तमिलनाडु के सी एम है एम के स्टालिन साहब के द्वारा तमिलनाडु के किस जिले में आ, ये इनग्रेट किया गया है जिसका नाम है पेरियार मेमोरियल तो ये कौन सा है ठीक है तो ये याद रखिएगा दैट इज अ विल्लुपुरम इज द राइट आंसर ठीक है थीके? तो ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है ठीक है अगला सवाल केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है रचित सुंदरम तो ये आ, पहला ऑप्शन है रचित सुंदरम ठीक है दूसरा परिवा वालाल सदाशिवम तीसरा है आपका कौन सा कमल

वी नारायण स्वामी है ठीक है सो ये पहला है आपका दूसरा स्वाति चतुर्वेदी है तीसरा पी चिदम्बरम है और चौथा किरण बेदी है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज किरण बेदी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो इसमें हम लोग सही आंसर टिक करेंगे ऑप्शन फोर ठीक है अगला सवाल है अच्छा किरण बेदी की कोई और भी तो कोई ओल्ड किताब बता सकते हैं भारत की सबसे पहले फर्स्ट आईपीएस हम लोग वुमेन के तौर पर इनको देखते हैं फर्स्ट आईपीएस पी वुमेन वोमेन के तौर पर हम लोग देखते हैं इनकी एक और किताब आई थी ना जो बहुत पॉपुलर हुई थी इस समय मुझे याद नहीं आ पा रही है रेमन मैक्से से पुरस्कार भी मिल चुका है ठीक ठीक है है so, सो अगला क्वेश्चन है कि 2022 तो फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैसे नियुक्त किया गया विक्रांत मैंसी मनोज वाजपेयी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी यस yes. सो so, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर याद रखेगा पंकज त्रिपाठी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है इन फैब 2022 प्रियम गांधी मूडी हैज कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स तो फरवरी 2022 में प्रियम गांधी मोदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेकर के आए हैं 400 डेज पहला क्लाइमेट चेंज एक्स एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल ठीक है दूसरा है आपका कौन सा है आर नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रो कोविड क्राइसिस ठीक है और चौथा है आपका द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट तो इसका जो राइट आंसर है ये जो किताब ये लेकर के आया है दट इज अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रो द कोविड क्राइसिस ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट अगला क्वेश्चन चाइना न्यू लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट हैज प्लेस्ड ठीक है हाउ मेनी सेटेलाइट इन स्पेस इन फेब 2022 सेटिंग अ डेमोस्टिक रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय अ सिंगल रॉकेट ठीक है तो चीन के नए पूछा गया है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने फरवरी 2022 में उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया और एक ही रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए सबसे अधिक अंतरिक्ष यान का घरेलू रिकॉर्ड बनाया है ठीक है सो इसमें कौन सा होगा पंद्रह है उन्नीस है बाईस है या फिर पच्चीस और इसमें से जो हम लोग सही आंसर टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन इज इज करेक्ट द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसी मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है दीपिका कुमारी है पहला मनु भाकेर है दूसरा अभिनव बिंद्रा है तीसरा और अनुश्री आरूसी वर्मा है चौथा सो so, इसमें से आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर और इसमें जो करेक्ट आंसर है आरूसी वर्मा इज द राइट आंसर ठीक है वर्मा इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय कृषि मंत्री ने मार्च 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आम बैठक का कौन सा संस्करण लॉन्च किया ठीक है सो एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है ठीक है और जरा बताइएगा धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में आपने ये पढ़ा होगा एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इस समय जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब ठीक है hmm. एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो इस समय मिनिस्ट्री देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है उसी से रिलेटेड है 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 कि ये कौन सा संस्करण दैट इज ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो जी के निम्नलिखित में से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अप्रैल 2022 में अरुण गोयल पहला ऑप्शन है दूसरा डॉक्टर एस राजू है चौथा आपका ओम प्रकाश गुप्ता है और पांच सॉरी चौथा आपका कार्तिक है। फॉलोइंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यहां पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है डॉक्टर एस राजू का ठीक है सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है कि रिसर्चर्स इन विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन इंडस्ट्रियल रोबोट कैन रीड अ ह्यूमन को वर्कर्स माइंड विथ नाइंटी सिक्स परसेंट एक ठीक है तो पूछा यह गया है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल रोबोट को विकसित किया है जो को वर्कर्स के 96 परसेंट माइंड को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकता है तो अब मतलब सबसे बड़ी समस्या ये होगी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कि अगर वो झूठ बोल करके बीमार होने का बहाना करके सर में दर्द होकर पेट में दर्द होकर के बहाना करके अगर छुट्टी भी लेना चाहेंगे तो वो नहीं ले पाएंगे ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कौन सा वर्कर अपने बॉस के बारे में क्या सोच रहा है ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी तकलीफ हो जाएगी ठीक है ना तो चुगली करना तो लगता है बंद ही हो जाएगा फिर है ना इंडस्ट्रीज में तो ये जो इनिशिएटिव है ये निकाला है चाइना ने ठीक है और ऐसे कार्य जो है चाइना ही कर सकता है ठीक है सो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन इज करेक्ट चलिए अगला सवाल देख लेते हैं एनजीओ बेस्ड इन विच स्टेट हैज लॉन्च या अडोप्ट एन एनिमल इनिशिएटिव टू अडोप्ट एनिमल टू ओवरकम फाइनेंशियल हार्ड से पोस्टेड पोस्ड बाई कोविड ठीक है सो इसका राइट आंसर बताएगा जरा कि इसका सही आंसर क्या होगा हरियाणा गुजरात पंजाब या राजस्थान निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड ठीक है गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन या गुजरात इज द राइट वन ठीक है सो इसमें हम लोग जो सही टिक करने जाएंगे वो कौन सा होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि uh, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है मारा uh, कैस्ट्रो uh, वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन ठीक है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ निम्नलिखित में से किस देश का इनको प्रेसिडेंट बनाया, है, 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 है. तो बनाया गया है और ये दो अध्यक्ष बनाया गया है याद रखेगा हॉन्डूरास इज द राइट आंसर ठीक है सो so इसमें हम लोग जो राइट right टिक करेंगे यानी कि जो करेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कम अपज न्यू बुक हाउ टू प्रवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ठीक है तो पूछा गया एक किताब आई है कि भविष्य में कोई पैंडेमिक आए अभी एक इतना बड़ा पैंडेमिक ऑलरेडी हमने फेस किया कोविड उसके बाद अभी मंकी पॉक्स का ऑलरेडी चल रहा है ठीक है उसको भी महामारी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है डब्ल्यू ने तो अभी एक नई किताब आई है जिसका नाम है हाई टू प्रीवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक और इसके ऑथर का नाम पूछा गया है चाहे बेजोस है एलन मस्क है पॉल एलन है या बिल गेट्स है और इसके ऑथर का नाम जो है दैट इज बिल गेट्स इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर्स पाइनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है ठीक है सो जरा बताएगा कि इस किताब के लेखक का नाम क्या है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ठीक है हाँ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायोनरिंग वर्क इन रूरल रूरल कंस्ट्रक्शन तो इसके लेखक का नाम जरा बताइएगा कौन है चेतन भगत अमिताभ घोष उमादास गुप्ता या अरविंद अडिगा और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री उमा दास गुप्ता इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल हु वन द विवो प्रो कबड्डी सीजन एट्थ फाइनल इन मार्च 2022 तो ये जो विवो कबड्डी लीग हुई थी उस कबड्डी लीग से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि इस कबड्डी लीग को निम्नलिखित में से किसने जीता पटना पायरेट्स है ठीक है पहला ऑप्शन दूसरा दबंग दिल्ली है तीसरा बेंगलुरु बुल्स है चौथा तेलुगु है सो so, विनर का नाम बताइएगा जरा कि इसमें विनर कौन है और इसमें जो विनर है वो है दबंग दिल्ली इज द राइट आंसर ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द फॉर द वर्ल्ड थिएटर डे 2022 तो विश्व रंगमंच दिवस दो के विश लिए विश है क्या है आ, ये आपको बताना है ठीक है थ्रिएटर आ पार्ट ऑफ लाइफ थ्रिएटर एंड आ कल्चर ऑफ पीस ठीक है थ्रिएटर एंड हिस्ट्री थ्रियटर डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रॉस्पर्टी ठीक है सो इसमें से निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ठीक है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सेकंड अगला सवाल है चार्ज एज डिप्टी चीफ ऑफ नवल स्टाफ ठीक है तो नवल स्टाफ में यानी कि नेवी में निम्नलिखित में से किसको डिप्टी चीफ के पद पर नियुक्त किया गया संजय महिंद्रा है दिनेश के त्रिपाठी संदीप आ, नेथानी या अजीत ठाकुर तो इसका राइट आंसर बताएगा जरा कि इसमें निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है और इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ संजय याद रखिएगा महेंद्रू इज द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर होता है हमारा कंक्लूड सेशन सो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं और आ, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने लोगों ने अभी भी लाइक और शेयर नहीं किया है ठीक है और इस सेशन के जो पीडीएफ है गाइज वो मिल जाएंगे आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है फॉर द रेगुलर पी और ये शेड्यूल रहता है हर एक सेशन के लिए आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं आठ बजे आपका डेली सी का होता है साढ़े ग्यारह बजे हम लोग पार्क का सेशन कवर कर रहे हैं। एक बजे हम लोग एस एस का और थ्री पी पर याद रखेगा एस एस की मास्टर क्लास रहती है तो आप इन सभी को अटेंड कर सकते हैं और बाकी आप इंडिया के बेस्ट जो सुपर टीचर्स है इन सभी के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रिपरेशन करना बहुत आसान है और इसके जो इनरोलमेंट है इसके लिए आप कर सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस में इनरोलमेंट गोइंग ऑन है और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए सो यूज़ द कूपन कोड दैट इज़ एस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और दिस कूपन कोड इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कोर्सेज ऑन टैक्स बुक तो ये सभी कोर्सेज पर एप्लीकेबल है ठीक है तो इसके लिए आप जरूर इसका इस्तेमाल करें और बाकी इस समय आपको मालूम है कि इस समय आपकी फ्लैश सेल गोइंग ऑन है ठीक है सो आप इस फ्लैश सेल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप इसके लिए रजिस्टर करते हैं सो दैट इज़ वेरी सिंपल ठीक है कि आपको जो है ये मिल जाएगा टेक्सट बुक का ईयरली पास ठीक है थ्री नाइन नाइन रुपये में और इन करने का प्रोसेस क्या है सो बहुत सिंपल है कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे या हमारा सेशन इस समय गोइंग ऑन है तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ठीक है और ये है आपकी टेक्स बुक पास की लिंक ठीक है सो इस टेक्स बुक पास की लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे ठीक है तो ये आपका कुछ इस तरह का फीचर ओपन होगा और इसमें मंथली ईयरली लाइफ टाइम आपको ये अलग अलग मिलेंगे तो इनमें से ईयरली या लाइफ टाइम को सिलेक्ट करिए अप्लाई कोपन कोड में जाइए कूपन कोड यूज करिए दैट इज़ अ एस के टी पास सुकुमार तिवारी पास और इसको अप्लाई करिए सो यू विल गेट द डिस्काउंट मंथली टेस्ट बुक है थ्री ट्वेंटी का ईयरली है फोर हंड्रेड का लाइफ टाइम है फाइव सिक्सटी का मोर देन फाइव हंड्रेड एग्जाम कवर्ड है फोर्टी फोर थाउजेंड मॉक टेस्ट हैं औरटीन थाउजेंड पी वाई क्यू है, है। चौदह लाख बच्चों ने इनरोल किया हुआ है और अगर मैं यहाँ टेस्ट सीरीज़ की बात करने जाऊँ तो सभी आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है वेरियस मॉक टेस्ट अवेलेबल है यानी कि एक ऐसा टेस्ट बुक पास कि एक के एक्सेस से आपको सभी मॉक टेस्ट ऑलरेडी मिल जाते हैं सी यू की अगर हम लोग बात करने जाए तो मोर देन नाइन हंड्रेड मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और नाइनटी नाइन मॉक टेस्ट आपके फ्री हैं ठीक है सो चलिए इस ये था आज का सेशन मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइमिंग पर तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड यस एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच